हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी ओट्स चीला, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स, बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच सूजी का, बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और थोड़ा सा पनीर। और स्पाइसेस आप अपने स्वादानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बोल में 1 कप ओट्स डालना पड़ेगा, बाइंडिंग के लिए 2 कप बेसन और 1 चम्मच सूजी। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता डालेंगे और पनीर ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, आपको स्पाइसेस अपने स्वादानुसार यूज करने हैं। जैसे मैंने गरम मसाला लिया है, हल्दी ली है, लाल मिर्च, धनिया, सूखा धनिया, नमक और मेथी। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी काट कर डाल सकते हैं इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको इसमें पानी डालना है। पानी धीरे धीरे डालना है कि घोल हमारा ज़्यादा पतला ना हो जाए। इसकी जगह आप दही भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर और पानी ऐड कीजिए। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए तो इसे आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैटर बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अगर आपको ज़रूरत लगे कि पानी और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है करने की। आप गैस ऑन कीजिए और तवे को 2 मिनट के लिए गर्म होने दीजिए। हो जाए तो बैटर को धीरे धीरे करके डालिए और अच्छे से फैला दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से बन रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा घी ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद आपको इसे बड़े आराम से फ्लिप करना है। आप देखेंगे कितने अच्छे से सिक चुका है एक तरफ से। बहुत अच्छे से दबाना नहीं है, आराम से धीरे धीरे। ये लीजिए, आपका हेल्दी ओट्स चीला रेडी है। इसे आप दही के साथ या चटनी के साथ बड़े मज़े से खाइए और हेल्थ बनाइए। थैंक यू। अगर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक।